स्पेक्ट्रम। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का एनी टाइम न्यूज़ में खैर मकदम है। AIC के मीडिया तर्जुमान तेलंगाना इलेक्शन शमा मोहम्मद ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने IT की तहकीकात में MLC के नज़मों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सियासत किया। राजेंद्र नगर हल्के मणिकुंडा म्यूनसिपैलिटी राजेंद्र नगर हल्के MLA उम्मीदवार कस्तूरी नरेंद्र की क़यादत में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़द किया गया, जहां इस मौके पर AIC मीडिया तर्जुमान तेलंगाना इलेक्शन शमा मोहम्मद और अली मेहंदी इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर तशरीफ़ फरमा थे। इन्होंने कहा कि कैलाशवरम प्रोजेक्ट बनाने वाली मेगा इंजीनियरिंग कंपनी इन रियासतों में तामीर कर रही है जहाँ मरकजी हुकूमत इख्तदार में है। लोग सब समझ चुके हैं कि TRS AIMIM BJP के हलफ के तौर पर काम कर रही है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मजीद तफसीलात। इसी तरह की मजीद खबरों से जुड़े रहने के लिए एनी टाइम न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि लखनऊ राजनाथ सिंह के खिलाफ क्यों कैबिनेट नहीं है MIM का, वाराणसी मोदी के खिलाफ क्यों कैबिनेट नहीं है MIM का, अमेठी स्मृति ईरानी के खिलाफ क्यों कैबिनेट नहीं है MIM का। जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां MIM का कैबिनेट होगा। कहां से पैसा है MIM के पास 96 सीट लड़ने के लिए यूपी में, क्यों 90 सीट नहीं लड़ रहे हैं MIM तेलंगाना में, क्यों असदुद्दीन ओवैसी राजा सिंह के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों कैबिनेट नहीं है कोशमाल में। और मेरा आखिरी सवाल यह है कि हम सब जगत सुनते हो अकबरुद्दीन ओवैसी आजाद और तमाम प्रेस मीडिया से जो ताल्लुक रखते हैं सबका मैं खैर मकदम और शुक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ज्यादा विस्तार से और मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि मैडम ने तफसीली तौर पर आप तमाम लोगों को बता दिया, मगर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 15 साल से हमारे हल्का राजेंद्र नगर में MLA जिसका नाम प्रकाश गौर साहब, तो उन्होंने क्या काम किए, कितने सारे काम किए आप तमाम लोगों को मानते हैं। मेरे ये सवाल सीधा सीधा प्रकाश गौर साहब और कांग्रेस पार्टी से, अकेली मोहल्लों का आप लोग जायजा लीजिए, अकेली मोहल्लों में आप लोग जाइए, वहाँ जाकर आप मुआयना करके देखिए वहाँ पर कितने काम 15 साल से करते, आपको देखकर हैरत होगी कि सड़कें नहीं थी, दुनिया की तरक्की कर चुकी है, हम चंद्रयान के ऊपर जो है खुशियाँ मना रहे, दुनिया जो है आसमान तक जा रही है, मगर हम यहाँ पर बराबर अपने घर को नहीं जा सकते। हमारे राजेंद्र नगर का मसला आज भी बुनियादी मसला, ये जमाने में 2023 आ चुका फिर भी आज ही हमारा मसला रोड ड्रेनेज पानी की किल्लत जैसे मसला है। हमारे हल्के राजेंद्र नगर में आप लोग जैसे जानते हैं हमारे पूरे हल्के जात में अकेलेतों की कसीर तैदा और उसमें सलीमान नगर डिवीजन है, राशिपुरम डिवीजन भी है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बड़े अकेलेत हैं, वहां पर भी पानी का मसला, रात में कुछ मुकाम ऐसे हैं कि रात के 3 बजे पीने का पानी आता है और वहां के अवाम ने वहां पर जाकर MLA साहब को कहा तो MLA साहब क्या कह रहे हैं अवाम, एक जमाना ऐसा था कि लोग दूर दराज से जो है पानी लेकर आते थे, कम से कम आपके घर रात के 3 बजे पानी आता, ऐसा इनसेंसिटिव MLA, ऐसा MLA आज तक आप तमाम लोगों ने नहीं देखा। आप मुआयना कीजिए, आप लोग जायजा लीजिए, कुछ तो ऐसे मोहल्ले हैं जो 15 साल हमारे MLA साहब आज तक गई, आप जाकर वहां पर देखिए जैसा कि सुलेमान नगर है, शास्त्रीपुरम है, राजेंद्र नगर, हर हल्के हर हल्का जाकर मायना लीजिए, आपको वहां जाकर वही मसले और शादी